मैकियावेली जी कहते हैं कि व्यक्ति अपने पिता की हत्या के अपराध को एक बार क्षमा कर सकता है। व्यक्ति अपने पिता की हत्या को एक बार क्षमा कर सकता है, पर अपनी संपत्ति के अपहरणकर्ता को वह कभी भी क्षमा नहीं कर सकता। पर कि यदि आप उसकी संपत्ति का अपहरण कर ले रहे हैं तो आपको वो कभी नहीं भूलेगा। आप उसके पिता की एक बार हत्या कर दें तो वो भूल जाएगा, लेकिन यदि आप उसकी संपत्ति को छीन रहे हैं तो वो आपको कभी नहीं भूलेगा, आपसे हमेशा बदला लेने की कोशिश करता रहेगा। ऐसा ही मैकियावेली जी कह रहे हैं। तो मैकियावेली एक वेस्टर्न फिलोसफर हैं, बहुत प्रैक्टिकल फिलोसफर हैं, जो प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मैकियावेली जी कह रहे हैं। उनका एक कोट है, उनका जो उनकी एक बहुत फेमस बुक है प्रिंस, उन्होंने उसमें लिखा था ये। ठीक है, तो ये आप ऑब्जर्व करना कि ये सही है या गलत है, मैं आपके ऊपर से छोड़ता हूँ उसको। व्यक्ति अपने पिता की हत्यारे को एक बार भूल सकता है, लेकिन अपनी संपत्ति के जो अपहरण है, जिसने भी उसको संपत्ति को अटैच किया है, उसको कभी नहीं भूल सकता। मतलब वो उसको क्षमा नहीं कर सकता, हमेशा बदला लेने की कोशिश करेगा। और ये आप पहले देख भी सकते थे राजाओं के टाइम में, शायद अभी भी थोड़ा थोड़ा है। आप ऑब्जर्व कीजिएगा और फिर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यह सही है कि गलत है।